हाय, दिस इज कविता। डू यू थिंक कि व्हाई डू वी क्राई? हम रोते क्यों हैं? हम खुश होते हैं तब भी रोते हैं और दुखी होते हैं तब भी रोते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यू नो, जब हम बहुत ही दुखी होते हैं या वी फील सैड, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ल्यूसिन एंकेफिन। अब ये ल्यूसिन एंकेफिन का जो काम होता है, इट एक्ट एज ए पेन किलर। ये पेन किलर की तरह काम करता है। तो जब हम रोते हैं तो हमारा ब्रेन ये रिलीज़ करता है इस न्यूरोट्रांसमीटर को, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ल्यूसिन जो है, वो इट मेक्स अस फील बेटर। तभी हम जब रोते हैं तो उसके बाद हम बहुत ही रिलीव फील करते हैं, बहुत ही लाइट फील करते हैं, बिकॉज वो पेन किलर जो है जब रिलीज़ होता है तो इट वर्क्स एज ए, ये हमें जो है वो काम कर देता है, हमें शांत कर देता है। और इसका एक दूसरा, ये दूसरी कंडीशन में भी काम करता है कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, देन दैट टाइम ऑल्सो वी क्राई। और जब हम उस टाइम पर रोते हैं तो ये सेम न्यूरोट्रांसमीटर है दैट रिलीजेस जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन एंकेफिन, जो मैंने पहले बताया आपको, ल्यूसिन एंकेफिन रिलीज़ होता है और ये इट मेक्स अस मोर हैप्पियर, यानी हमें और ज़्यादा खुश कर देता है। जब हम खुशी को, हमारी खुशी को एनहांस कर देता है, तो इसीलिए हम खुशी में भी रोते हैं, क्योंकि अपनी खुशी को और फील करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और यहीं पे एक टर्म और मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी, एक टर्म होती है इमोशनल कॉन्टेजन। इमोशनल कॉन्टेजन होता है कि जब आप अपने फ्रेंड, आपका फ्रेंड जो है कोई सैड है या कुछ है, या ही इज़ क्राइंग या शी इज़ क्राइंग, और आप उसके पास बैठे हैं और ही और शी इज़ हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो यू टेक ऑन दैट इमोशन और यू स्टार्ट यू नो ऑल्सो क्राइंग। आपने देखा होगा कि जब आप किसी फ्रेंड के पास होते हैं, कोई दुखी है या कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आप जब उससे बात करते हैं तो यू ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज यू टेक ऑन दैट इमोशन। वो इमोशन जो है वो कॉन्टेजियस होते हैं और दे मेक यू नो फील सैड और समथिंग और यू स्टार्ट क्राइंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय।